प्यारे बच्चों नमस्कार, स्कूल मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.10 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.11। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंट्रीगल की, कुल मिला के 7 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं 7.10 आर्टिकल में, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट हैं और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये मदद करेंगी। तो पहले आइए इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस को लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर वन जो है बच्चों, वो आपसे ये कहती है कि दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल एक्स हो चाहे वेरिएबल टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस दैट कि वेरिएबल के चेंज होने से, चर राशि के चेंज होने से इंटीग्रल की जो वैल्यू आने वाली है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको अगर ये प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करो, इस वाले में x इज इक्वल टू टी लिख दो। तो x इज इक्वल टू टी का मतलब है dx बराबर dt, और dx बराबर dt। अब जब लिमिट चेंज करोगे तो जब when x इज इक्वल टू a, तो यहां से फिर t भी कितना आ जाएगा, कहना सर a आ जाएगा। और जब x इज इक्वल टू b, तो यहां से t भी फिर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि a और a पर t बराबर a, b पर b t बराबर b। तो देयर इज नो चेंज इन लिमिट। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं, dx dt में बदल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंट्रीगल में जब आपने ये सारे सब्स्टिट्यूशन किए तो ये इंट्रीगल इस तरह से चेंज हो गया ft dt, यानी कि दिस इंट्रीगल इज इक्वल्स टू दिस। ये हमको ये बताता है कि देयर इज नो चेंज इन द इंटीग्रल वैल्यू, वट एवर द वेरिएबल इज टेकन एज अ इंटीग्रल वेरिएबल। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू हमसे ये कहती है कि अगर हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स में लिमिट को आपस में अदला बदली कर दें, यानी नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर का नीचे कर दें, तो उससे इंटीग्रल का जो साइन है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है बेटे? वो साइन बदल जाता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसका सिंपल सा जवाब ऐसा है कि आप जानते हो कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट कि एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा इंडेफिनेटली, तो वो ऐसे आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, हाँ या ना? इसको अगर हम उल्टा कर दें माइनस का चिन्ह लगा के, तो ये ऐसे बन जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है ना? अब एफ ए माइनस एफ बी का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा इंट्रीगल है जिसमें लोअर लिमिट जो है वो बी है और अपर लिमिट ए है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स। सिंपल, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है प्रॉपर्टी नंबर टू। राइट, नाउ वी आर मूविंग टू द प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री हमसे ये कहती है कि अगर किसी डेफिनेट इंट्रीगल में, ये प्रॉपर्टी नंबर टू का एक और पार्ट है बेटे, पहले इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2.1 या 2.1 कह लो इसको, 2.1 हमसे ये कहती है कि किसी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर दोनों ही लिमिट्स एक जैसी हों तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। और ये सत्य भी है, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें और एफ एक्स आ जाए और जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये एक तरह से एफ ए माइनस एफ ए हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो इट मींस कि लिमिट अगर एक जैसी हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी फंक्शन इंटीग्रल की या किसी भी फंक्शन में इंटीग्रेट करते समय, तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2.1। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो हमसे ये कहती है कि अगर किसी इंटीग्रल में a टू b लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, और मान लीजिए कि इस a से लेके b के बीच में ये c है कहीं पर, क्या है, c है कहीं पर, तो आप इस डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट को तोड़ सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो a से b
सॉरी ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी से बी एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? और आप इसको ऐसे लॉजिकली समझ भी सकते हो। कैसे समझ सकते हो भाई? आपको पता है कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो और आप ए से बी के बीच में कर रहे हो तो ये एरिया है, यही वो आंसर आता है, राइट? और अगर मान लो कोई पॉइंट आपने ले लिया बीच में सी, तो डेफिनेटली आपने इस एरिया को दो पार्ट में तोड़ दिया। तो पहले आप ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तब भी उतना ही आएगा जितना कि पहले आ रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? श्योर? पक्का? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर फोर। प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या है भाई? व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर फोर? यस, अच्छा अपन ने पी जीरो से नहीं शुरू किया, अपन ने पी वन से। हाँ मतलब वही, वन से शुरू नहीं करा, तो अपन एक पीछे चल रहे, आगे चल रहे हैं, एक पीछे चल रहे हैं, मतलब एक तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमसे कहती है कि किसी डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट अगर ए से बी है तो उस इंटीग्रल को आप कैलकुलेट करते समय इन लिमिट्स को यूज कर सकते हो वेरिएबल की तरह। यानी कि आप लिख सकते हो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इट मीन्स दैट कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? राइट, अब जरा ध्यान देना कि ये कैसे बराबर होते हैं। सिंपल एज दैट, देखो जरा ध्यान से। अगर आप यहां पर इस वाली लिमिट, इसको इसको बराबर इसके प्रूफ करना है ना, तो अगर आप इसमें a प्लस बी प्लस एक्स को t मान लो, तो यहां से आपके पास सॉरी माइनस, ये माइनस एक्स को t मान लो, तो यहां पर आपके पास कितना आएगा? माइनस डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। ये हम प्रूफ कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है ना? तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी आया, यानी कि डी एक्स की वैल्यू जो है वो डी टी के इक्वल आ गई। नाउ अब लिमिट चेंज करने की बारी आई। तो जब आप एक्स बराबर ए लेंगे, क्या लेंगे? एक्स बराबर ए। तो जब आप एक्स बराबर ए लेंगे और जैसे यहां पर आप एक्स की जगह पर, ये एक्स की जगह पर ए लिखेंगे, तो ए से ए कट जाएगा और टी बराबर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है ना? और जब आप x बराबर b लेंगे और जैसे यहां पर लिखेंगे b, तो b से b कट जाएगा और t बराबर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। मतलब कि ये जो इंटीग्रल है ये चेंज होके ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल b से a, b से a f t और माइनस में dt। हाँ या ना? और आपने क्या पढ़ रखा है? आपने ये पढ़ रखा है कि अगर माइनस लगाओ किसी डेफिनेट इंटीग्रल में तो आप लिमिट को अदल बदल कर सकते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो माइनस हट जाता है, और अगर बिना माइनस के करते हो तो माइनस आ जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी नंबर दो आपने पढ़ी थी। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप ये माइनस हटा दो और लिमिट को ए से बी एफ टी डी टी कर दो। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चर राशि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो आप चाहो तो टी की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स डी एक्स। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। ये प्रॉपर्टी नंबर टू एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर वन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनको अपने दिमाग में बैठा के रखना, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। और इसी प्रॉपर्टी नंबर फोर का एक और रिजल्ट है 4.1। वो 4.1 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, बस अंतर यह है कि अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। यानी कुछ नहीं, अगर लोअर लिमिट जीरो हो जाए तो आप यहां जीरो रख दो तो ये बी माइनस एक्स हो जाएगा। यानी बात तो वही हुई ना, जीरो से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से बी एफ बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि आप यहां पर इन दोनों ही लिमिट्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना? प्लस साइन के साथ और माइनस एक्स के साथ में। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हमने अभी तक चार प्रॉपर्टीज देखी डेफिनेट इंटीग्रल की। समझ में आई कि नहीं आई? इनको अपने दिमाग में बैठा लेना क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? चलो अब मैं इनको मिटाता हूं और
आने वाली दो और आने वाली जो और प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे कहती है कि इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो इंटीग्रल 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to 2a f 2a माइनस x dx, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर व्हाट, प्रॉपर्टी नंबर 5, बल्कि यहां पर 2a नहीं आएगा, a आएगा। मतलब कि आपने इस 0 से 2a को तोड़ दिया दो पार्ट्स में और दोनों में ही लिमिट क्या है, 0 से a है, लेकिन अंतर यह है कि एक में फंक्शन में वेरिएबल की जगह 2a माइनस x आपको यूज करना है। और इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का जो तरीका है, वो तरीका पता है क्या है, वो तरीका यह है कि आप जब इसको प्रूफ करने जाओगे तो इसे प्रूफ करने के लिए ये जो इंटीग्रल दिख रहा है इस इंटीग्रल को तोड़ देना है। कैसे, जैसे आपको 0 से 2a तक जाना है, लेकिन 2a से पहले आप कहीं ना कहीं a तक तो आए होंगे ना, तो आप इस इंटीग्रल को तोड़ दोगे इस तरह से, 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx। बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट। और फिर यहां पर x की जगह लिख देना 2a माइनस t बराबर x, क्या लिख देना, 2a माइनस x बराबर t, 2a माइनस t बराबर x। ये जब प्रतिस्थापन इसमें कर दोगे तो ये प्रतिस्थापन करने के बाद में ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है, ये वाला, ये इंटीग्रल चेंज होके ऐसा बन जाएगा, ये तो एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं। देखो जब यहां पर ए टी की जगह ए लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए, और जब टू ए लिखोगे तो ये हो जाएगा जीरो। मतलब इस इंटीग्रल की लिमिट आ जाएगी ए से जीरो, ये बन जाएगा 2a माइनस टी और dt, dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। ठीक, अब माइनस होने के कारण आप लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 to a fx dx एज इट इज प्लस इंटीग्रल 0 to a f 2a माइनस टी dt, हाँ या ना। और आपको एक चीज और पता है क्या, कि सर वेरिएबल से क्या होता है, आप t लिखें चाहे x लिखें, देखो हो गया प्रूफ, आ गया ना, सिंपल एज दैट। अब अगली जो प्रॉपर्टीज हैं 6 और 7, आओ जरा उसके ऊपर और बात कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे ये कहती है कि अगर आप इंटीग्रल 0 से 2a fx dx को इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दिस इज इक्वल्स टू, आप 2 आगे लगा दीजिए और इसको 0 टू a कर दीजिए और ये बन जाएगा fx dx, लेकिन शर्त ये है इफ f 2a माइनस x बराबर कितना होना चाहिए, fx होना चाहिए। यानी कि x की जगह पर अगर 2a माइनस x कर दें फंक्शन में, तो भी उस फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो वापस fx आ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 2 0 से a fx dx, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस इंटीग्रल को क्या लिख देंगे, 0। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, क्लियर। सो दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पर एक कंडीशन ये है, अदरवाइज नहीं है ये, और इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी इफ f 2a माइनस x बराबर कितना आ जाए, माइनस fx आ जाए। अगर फंक्शन ही आ जाए तो आगे 2 लग जाएगा, लिमिट 0 से हो जाएगी, और अगर माइनस fx आ जाए तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0, क्लियर। और एक और एंड लास्ट प्रॉपर्टी P7, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ये एक मानी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हम लिखवा रहे हैं, अगर लिमिट माइनस a से प्लस ए हो, क्या हो, माइनस ए से प्लस ए हो, और ये हो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब तुम कहोगे कि सर ये इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन को हिंदी में कहते हैं एफ एक्स
समफलन हो, क्या हो, समफलन हो। अब समफलन क्या होता है वो मैं अलग से बताऊंगा, और इसी इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर एफ एक्स विषम फलन हो, क्या हो, विषम फलन, यानी कि ऑड फंक्शन हो, राइट। अब सम फलन क्या होता है और ऑड विषम फलन क्या होता है उसको समझ लो। मान लो कि तुम्हारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स गिवन है ना, ये एफ एक्स इवन होगा इफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी फंक्शन में x की जगह अगर माइनस एक्स लिख दो और फंक्शन में कोई परिवर्तन ना आए तो उसको कहा जाता है इवन फंक्शन, उस एफ एक्स को कहा जाता है इवन फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स बराबर मान लो एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप इसमें x की जगह माइनस एक्स भी लिखें तो भी ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर बन गया, यानी वापस यही आ गया, ठीक, यानी कि आपके पास वापस एफ एक्स आ गया। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक इवन फंक्शन है, ऐसे ही x की पावर 4 एक इवन फंक्शन होता है, x की पावर 6 एक इवन फंक्शन होता है, x की पावर 8 एक इवन फंक्शन होता है, वो इवन फंक्शन होगा। साथ ही अगर मान लो एफ एक्स बराबर है cos x, कितना है cos x, तो आपको पता है कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स लिख दें तो ये ऐसा बन जाएगा cos माइनस एक्स, और आप जानते हो कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसका मतलब वापस cos x आ जाएगा, तो मतलब फिर वापस एफ एक्स आ गया, मतलब कि cos फंक्शन भी जो होता है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब लेकिन अगर आप एफ एक्स इज ऑड, अगर ऑड फंक्शन की बात करो कि ऑड फंक्शन क्या होता है, तो एफ एक्स ऑड होगा अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी x की जगह अगर माइनस एक्स लिखें और फंक्शन का चिन्ह बदल जाए, वो नेगेटिव हो जाए, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर है x, कितना है, एफ एक्स बराबर है x, अगर आप इसमें x की जगह माइनस एक्स लिखो तो ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, भाई जो यहां होगा वो यहां, तो आपने माइनस एक्स लिखा ये भी माइनस एक्स हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऑड फंक्शन हो गया ये, दिस इज ऑड, कौन, एफ एक्स बराबर एक्स ऑड है, क्लियर। उसी तरह से एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो तो दिस इज माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये फिर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी कि माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ये फिर से ऑड फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप एफ एक्स बराबर साइन एक्स लो, क्या लो, साइन एक्स, तो आपको पता है कि एफ एक्स बराबर जैसे ही माइनस लिखोगे तो दिस इज साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, मतलब कि जो साइन एक्स होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो भैया फंक्शन इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये तो आपने समझा, अब थोड़ा सा उनका एलजेब्रा यानी उनका बीज गणित भी समझ लीजिए, क्या कि अगर एक इवन फंक्शन में एक इवन फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो भी एक इवन फंक्शन होता है। समझ में आया, अगर आप एक इवन फंक्शन में मल्टीप्लाई करें ऑड फंक्शन का तो जो आंसर आता है वो भी एक ऑड फंक्शन होता है, अगर आप एक ऑड फंक्शन में मल्टीप्लाई करें ऑड फंक्शन का तो जो आंसर आता है वो एक इवन फंक्शन होता है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है लेकिन साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे ऑड फंक्शन, क्या बन जाएंगे, ऑड फंक्शन। उसी तरह से एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है और जो साइन एक्स है वो भी ऑड फंक्शन है, लेकिन ये दोनों मिलके बन जाएंगे इवन फंक्शन, क्या बन जाएंगे, इवन फंक्शन। और सिमिलरली जो एक्स स्क्वायर है और जो कॉस एक्स है वो दोनों ही इवन फंक्शन है और इनका रिजल्ट भी क्या होगा, इवन फंक्शन आएगा। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप इवन फंक्शन को इंट्रीगेट, सॉरी ऑड फंक्शन को इंट्रीगेट कर रहे हैं मान लो माइनस टू से प्लस टू में और आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, तो आपको पता है कि सर ये तो ऑड फंक्शन है,
एक्स स्क्वायर इवन, साइन एक्स ऑड, ऑड इनटू इवन ऑड, और लिमिट है माइनस दो से प्लस दो. तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ऑड फंक्शन का इंटीग्रल इस रूप में हमेशा शून्य होता है, यानी बिना सोचे समझे आप लिख दोगे जीरो. कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. समझ में आया? तो अगर आपको इवन और ऑड फंक्शन पहचानना आता है तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं. बस केवल इवन और ऑड फंक्शन को पहचानो, ठीक है? तो यहां पर इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं खत्म हुई, और अब हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने में. लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से पहले आप इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना जाए, ठीक है ना? क्योंकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सॉरी एग्जांपल्स को देख लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है. और एग्जांपल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? राइट, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.11 और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं. नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में हम लोग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस आपके सामने जब आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको बिना किसी प्रॉपर्टी के या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे. तो आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन करना है तो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही करेंगे. क्लियर? भले ही फिर आप एग्जाम में किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेपर में ये नहीं लिखा आता है कि किस प्रॉपर्टी से करना है या किस मेथड से करना है. बस इतना लिखा आता है कि इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो या समाकलन को हल करो, ठीक है? अब आइए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, हम ज्यादातर क्वेश्चन में अब आई लेते हुए काम करेंगे, यानी लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू cos स्क्वायर x dx, ठीक है बेटे? राइट, अब जरा ध्यान देना कि इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें, इसको वन नाम दे दो, इसको इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें, कौन सी वाली, ये वाली, चूंकि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस x dx. अगर ये प्रॉपर्टी लगा दें तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x dx. और क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस x साइन x होता है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx. हाँ या ना? ये i आ गया, ठीक है ना? इसको नाम दो दे दो. क्लियर? अब एक काम करो, 1 प्लस 2 कर दो, यानी 1 और 2 को जोड़ दो. तो i और i जोड़ के हो जाएगा कितना, 2i, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों की लिमिट एक जैसी है, राइट? तो ये ऐसा बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और ये dx. बात समझ में आई? अब कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है? कहना सर 1 होता है. So this is equals to 0 to pi by 2, it is equals to 1 और ये dx. और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x और लिमिट आ जाएगी 0 से pi by 2. अपर लिमिट पे आपको आंसर मिलेगा pi by 2, लोअर लिमिट पे मिलेगा 0 और ये चल रहा है 2i. लेकिन आपको मान निकालना था किसका, i का, तो 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा pi by 4. So the answer of this integral is equals to pi by 4. समझ में आया? हमने क्या किया, बस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया. आप प्रॉपर्टी से नहीं करते तो आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 और इंटीग्रेट करते और लिमिट लगा देते, तब भी होता अंक, ठीक? लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्जाम में कैसे करोगे. दिस इज योर चॉइस. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स डीएक्स. यही दिया प्रश्न बेटे? यस. अब जरा ध्यान देना कि इसको कैसे करेंगे. लुक एट दैट, फिर वही क्वेश्चन आ गया. ये 0 से पाई बाय 2 है. आपको पता है कि पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है.
तो इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आय और इसको नाम दे दीजिए वन, और फिर यही प्रॉपर्टी लगाइए जो आपने थोड़ी देर पहले लगाई थी। तो फिर से जब यही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जीरो से पाई बाय टू रूट में साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स। हाँ या ना बेटे? राइट। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर 0 टू पाई बाय टू ये तो सही है, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये आ गया रूट कॉस एक्स। ये कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो ये आ गया रूट साइन एक्स प्लस, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये आ गया रूट कॉस एक्स, और ये डी एक्स, इसको नाम दे दो टू और ये भी आई है। अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे यानी कि वन प्लस टू करोगे तो ये हो जाएगा 2i, और दोनों की लिमिट क्योंकि एक जैसी है तो 0 से पाई बाय 2 आपने एक साथ लिख दिया, और दोनों फंक्शंस को एक साथ लिख दो। कैसे? रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स अपॉन रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। दोनों को जरा ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम एक जैसा ही है, यानी ऊपर वाली चीजें जुड़ जाएंगी और नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 ब्रैकेट ऊपर आएगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, नीचे भी आएगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज ये dx पूरा कट जाएगा, और आपके पास में फाइनली आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 dx। इसे इंटीग्रेट करोगे बेटे, सो दिस इज इक्वल्स टू x लिमिट 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट पे मिलेगा आपको पाई बाय 2, लोअर लिमिट पे 0, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है 2i, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी थी i की निकालनी थी ना, तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाय 4, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे ही होना है, 2 भी ऐसे ही होना है, और जो 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही होना है, उसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। उसमें 0 से पाई बाय 2 लिमिट है साइन 3 बाय 2 एक्स डी एक्स अपॉन में साइन 3 बाय 2 प्लस कॉस 3 बाय 2 दिया हुआ है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाना। तो यही प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइन कॉस में कॉस साइन में बदल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज एक जैसी आ जाएगी, कट जाएगी, आंसर फिर पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल यही है, लॉलीपॉप। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बनावट अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ये, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ऐसा दिया हुआ है, हाँ रूट भले ही ना हो साइन कॉस तो दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसा दिया है 0 से पाई बाय 2 साइन रेस्ट टू द पावर सॉरी कॉस रेस्ट टू द पावर 5 कॉस रेस्ट टू द पावर 5 एक्स डीएक्स अपॉन में साइन रेस्ट टू द पावर 5 एक्स प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 5 एक्स dx, so right, ये dx तो ऊपर आ गया, यही दिया है ना, इसको i मान लेना, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा देना, तो दूसरा जो i बनेगा वो ऐसा बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस x sin हो जाता है, तो ये बन जाएगा sin रेस्ट टू द पावर 5 x अपॉन ये बन जाएगा cos रेस्ट टू द पावर 5 x प्लस ये बन जाएगा sin रेस्ट टू द पावर 5 x, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस x sin cos को sin में बदल देता है, और ये dx एज इट इज, दोनों को जोड़ देना, 1 प्लस 2 कर देना। तो जैसे ही 1 प्लस 2 करोगे ये हो जाएगा 2i, और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एलसीएम एक जैसा है और ऊपर भी एक जैसी चीज आ जाएगी, कट जाएगी, फिर ये आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 1 dx, इंटीग्रेट करना, आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा i की वैल्यू। क्लियर? ये चार क्वेश्चन मतलब आप करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, यानी फर्स्ट और सेकेंड की तरह। तो ये फिलहाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं दो प्रश्नों को, थर्ड और फोर्थ को। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। कैसे? क्योंकि आपको दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 dx, राइट? पहले आपको इस मॉड्यूलस फंक्शन का नेचर समझना पड़ेगा, यानी कि आप जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू होती है माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो या बराबर हो, और प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, जबकि एक्स प्लस टू की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू हो, और दिस इज इक्वल टू प्लस का x बाई टू जब x प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो. और इट मीन्स दैट कि दिस इज माइनस x प्लस टू व्हेन x इज लेस देन और इक्वल माइनस टू, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस x बाई टू व्हेन x इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन माइनस टू. ठीक है ना, ये यानी कि ये है अलग अलग नेचर. यानी कि जब x की वैल्यू माइनस टू से छोटी होगी तो इस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू का मान माइनस x प्लस टू होगा, और जब x की वैल्यू माइनस दो से बड़ी होगी तो इसका मान x प्लस टू होगा. यानी कि माइनस दो के ऊपर और माइनस दो के नीचे फलन मॉड x प्लस टू अलग अलग बिहेव कर रहा है. तो ऐसी स्थिति में हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते समय इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में. यानी कि अगर हमने इसको i माना है तो i इज इक्वल्स टू, हम लिमिट को तोड़ेंगे, माइनस फाइव से माइनस टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू dx प्लस माइनस टू से प्लस फाइव मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू dx. अब जरा ध्यान देना बेटे कि जब लिमिट, देखो उसने क्या कहा, जब x की वैल्यू माइनस टू से छोटी या बराबर हो, यानी छोटी, तो ये माइनस टू से माइनस फाइव, माइनस फाइव माइनस टू से छोटा होता है, तो इस अंतराल में इस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू की जो वैल्यू है ये हो जाएगी माइनस में एक्स प्लस टू. समझ में आई बात, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो मॉड्यूलस हटना चाहे. प्लस इस माइनस टू से फाइव के बीच में जो फंक्शन है यानी कि मॉड्यूलस एक्स प्लस टू है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का x प्लस टू dx. अब आप इसको आसानी से इंट्रीगेट कर सकते हो, इसको इंट्रीगेट करोगे सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का 2x, और लिमिट आ जाएगी कितनी, लिमिट आ जाएगी माइनस फाइव से माइनस टू, प्लस ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का 2x, और यहां पर भी लिमिट आ जाएगी माइनस टू से प्लस फाइव. अब आइए जरा इसको लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही है. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, जब x की जगह आप माइनस का 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 2, और जब यहां पर x की जगह माइनस 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4. नाउ माइनस, अब लोअर लिमिट लिखते हैं, ब्रैकेट लगाओ, जब x की जगह आप माइनस 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25 अपॉन 2, और माइनस जब x की जगह माइनस 5 लिखेंगे तो ये माइनस का 10 बन जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज. नाउ प्लस, जब आप यहां पर x की जगह प्लस 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 10. माइनस, जब x की जगह माइनस 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन 2, और यहां पर जब x की जगह माइनस 2 लिखेंगे तो दिस इज माइनस 4, ये माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, लुक एट दैट, ये माइनस का चिन्ह लगा रहने दीजिए, आपके पास में आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं. तो देखो बेटा ये 4 अपॉन 2 यानी कि 2, तो माइनस 4 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा कितना, इट इज माइनस लगा रहने दो, ये हो जाएगा माइनस का 2, राइट, माइनस का 2, ये माइनस का 25 बाय 2, और ये प्लस का हो जाएगा 10, ठीक है ना. और जब इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, सिंपल एज दैट. अब प्लस ये हो जाएगा 25 बाय 2 प्लस 10, और ये 2 में से माइनस 4 होगा तो माइनस का 2, और ये माइनस के कारण हो जाएगा प्लस का 2. अब जरा देखो कि क्या क्या चीजें कट रही हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस 10 से ये माइनस 10 कट रहा है, ये 2 और ये 2 जुड़कर हो जाएगा 4, और 25 बाय 2 मिलके हो जाएगा इट इज 25 प्लस 25 बाय 2 यानी कि 50,
बाय टू और 4 प्लस 50 बाय 2 यानी कि 25, यानी आंसर आएगा फाइनली 29. क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना था. और इस क्वेश्चन नंबर 5 को करते समय मेन बस ये रखना है ध्यान कि इस फंक्शन का बिहेव किस इंटरवल में कैसा है. यानी आपको यहां पर इस इंटीग्रल की लिमिट को तोड़ना पड़ रहा है. और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे आप ये लिमिट तोड़ने के लिए? आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने यूज करी है, जब आपने इस इंटीग्रल की लिमिट को -5 से +5 से तोड़ के -5 से -2 और -2 से 5 कर लिया. ठीक है. अगला जो प्रश्न है उसमें लिमिट दी हुई है 2 से 8 और फंक्शन फिर मॉड्यूलस के फॉर्म में दिया हुआ है. तो यहां पर आपको इस फंक्शन को फिर से तोड़ना पड़ेगा. मैं थोड़ा सा बस हिंट करके छोड़ूंगा आपको, फिर ये डेफिनेशन यूज करनी है. मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू होगा माइनस में एक्स माइनस 5, जबकि एक्स माइनस 5 जो है वो लेस देन इक्वल 0 हो, और दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 जब एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो. इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस में एक्स माइनस 5 जबकि एक्स जो है वो 5 से छोटा या बराबर हो, और प्लस एक्स माइनस 5 जब एक्स 5 से बड़ा हो. राइट तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 के ऊपर अलग बिहेव है इस मॉड्यूलस फंक्शन का और नीचे अलग बिहेव है. तो इस इंटीग्रल को आप तोड़ देंगे ऐसे 2 से 5 एक्स माइनस 5 डीएक्स प्लस 5 से 8 मॉड्यूलस एक्स माइनस 5 डीएक्स. तो आपको पता है कि 2 से 5 में इसका बिहेव है माइनस एक्स माइनस 5, तो यहां माइनस एक्स माइनस 5 डीएक्स लिख देंगे, और इसमें इसका बिहेव है कितना, इसका बिहेव है इट इज प्लस एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 डीएक्स. अब इसके आगे इंटीग्रेट करने का काम आपका है. जो काम था मेरा वो मैंने आपको यहां पर समझा दीजिए, है ना. आप यहां पर इसको अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि है ना यहां पर लिख लेना ऊपर के मापांक फलन की परिभाषा से बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, यही चीज यहां पर भी लिख देना. तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये इंटीग्रल और कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया. और अब इसके बाद में मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 की बनावट देख के अपने को अभी कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है कि हम क्या करें, और लिमिट है 0 से 1. सब्स्टिट्यूशन अगर डायरेक्ट करें तो दिक्कत होगी बिकॉज ये 1 माइनस एक्स है. तो एक काम करते हैं, पहले उसको कुछ और रूप में बदलते हैं. यानी कि हम यहाँ पर इसको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी, वो ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें सो दिस, इसको अगर i लेते हुए चलें तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से 1, x की जगह पर आएगा 1 माइनस एक्स, और यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स और पूरे की पावर n, और ये dx. तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस इज 0 टू 1, 1 माइनस एक्स बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा ये x की पावर n dx. राइट ये आने के बाद अब जरा ध्यान से देखो, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा. कैसे? दिस इज इक्वल्स टू 0 टू 1, एक्स की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये x की पावर n माइनस ये x की पावर n प्लस 1 dx. अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, हो तो रहा इंटीग्रेट इजीली. तो दिस इज इक्वल्स टू x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट कितनी आ गई, कहना सर 0 से 1. जब आप x की जगह पर 1 लिखेंगे तो पूरे में 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, सॉरी 1 की पावर n प्लस 1, तो 1 ही आएगा. तो अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और जब x की जगह 0 लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा. तो लोअर लिमिट पे तो कुछ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है अपर लिमिट पे. सो दिस इज योर आंसर. और इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो इट इज n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यहां पर हो जाएगा n प्लस 2 माइनस में n माइनस का 1, n से n कट जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. क्लियर बेटे? हम
इसके साथ में सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए 1 माइनस एक्स की पावर एन में हमें द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ती, लेकिन यहां पर आने के बाद में हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि एक्स की पावर एन का अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए फिर से कुछ मुश्किलें पैदा करके आएगा। आई बराबर 0 to π/4 log 1 + 10x और ये dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करें हम लोग। तो ऐसी स्थिति में तो बस अभी फिलहाल एक ही प्रॉपर्टी नजर आती है और वो है ये। इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log ब्रैकेट 1 + यहां पर बन जाएगा ये 10π/4 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ठीक है बेटे? अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला याद है? 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। यही होता है। a का काम कौन कर रहा है? पाई बाय 4, और b का काम x। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/4 log ब्रैकेट ये बन जाएगा 1 + यहां पर आएगा 10π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 - 10π/4 इंटू 10x। क्लियर बेटे? dx ये आई चल रहा है बेबी। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/4 log ब्रैकेट। अब देखो बेटे, 1 + 10π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 - 10x अपॉन 1 + 10x डीएक्स। राइट बेटे? नाउ लुक एट दैट, दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log, जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये 1 + 10π/4 का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 + 10π/4 सॉरी 10π/4 नहीं 10x प्लस 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x ब्रैकेट क्लोज और ये dx। तो ये 10x से ये 10x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log, ऊपर आएगा बेटे 2 और नीचे आएगा 1 + 10x dx। हाँ या ना? यस और नो? अब प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b की इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + 10x। राइट? ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाओ और ये dx। अब एक काम करो, इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ दो। तो दो पार्ट में जैसे ही तोड़ोगे तो ये बन जाएगा 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x dx। हाँ या ना? ये आई चल रहा है और इज इक्वल्स टू में। अब जरा ध्यान से देखो इसकी बनावट को। ये जो आया है ये वापस आई के बराबर आ गया ना। Look at that, ये i के बराबर आ गया, यही i था तुम्हारे पास। तो आप लिख देंगे i is equals to, ये तो कांस्टेंट है log 2, बाहर कर दो log 2, तो ये इंटीग्रल 0 to π/4 dx बचा और ये i आ गया। ये i इधर आके बन जाएगा 2i और ये इंटीग्रेट होगा तो log 2 तो as it is, ये बन जाएगा x और x की लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। अपर लिमिट पे पाई बाय 4 और लोअर लिमिट पे 0, तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो हमें मिल जाएगा 2i बराबर log 2 मल्टीप्लाई अपर लिमिट पे पाई बाय 4 माइनस 0, यानी कि पाई बाय 4 माइनस 0। जब आप 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर आ जाएगा पाई बाय 8 log 2। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? यानी यही प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है बेटा, ये प्रॉपर्टी जरूर दिमाग में रखना।
आपने इस प्रॉपर्टी का यूज करा, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, एंड देन इसके बाद में आपने एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व किया तो ये आ गया। लॉग प्रॉपर्टी लगाई तो ये दो पार्ट में तोड़ दिया आपने इंटीग्रल, दूसरा वाला पार्ट i बन गया तो i इधर जाके 2i बन गया और आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो फाइनल आंसर पाई बाय 8 लॉग 2 आ गया। क्लियर? नाइन्थ हमें दिया है इंटीग्रल 0 टू 2 एक्स रूट में 2 माइनस एक्स डीएक्स, और नो डाउट इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी? इट इज 0 टू ए एफ एक्स dx is equals to 0 to a f a minus x dx। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, इसे आई मान लीजिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू 2, x की जगह आप लिख देंगे 2 माइनस एक्स, और यहां पर बन जाएगा ये रूट में 2 और माइनस में 2 माइनस एक्स और ये dx, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस x बन जाएगा। तो दिस इज 0 टू 2 2 माइनस एक्स और ये बन जाएगा रूट में x, तो रूट में x का मतलब है x की पावर 1 बाई 2 और ये dx। तो इस स्थिति में तो इंटीग्रेट नहीं हो पाता क्योंकि रूट 2 माइनस एक्स था, अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो अगर आप इसको x की पावर 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज 0 टू 2 2 x की पावर 1 बाई 2 माइनस x की पावर हो जाएगा 3 बाई 2 राइट dx, और इंटीग्रेट जब आप कर देंगे तो दिस इज 2 x की पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2 माइनस में x की पावर 5 बाई 2 अपॉन में 5 बाई 2 और लिमिट आ जाएगी कितनी, इट इज 0 से 2। ठीक, अब बारी बारी से अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 बाई 3, आप यहां पर x की जगह पर 2 लिखिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बाई 2 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट जब इसमें ही रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस 2 बाई 5, हम पूरे में एक साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं रख रहे हैं, हम बारी बारी से इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो 2 बाई 5 ब्रैकेट x की जगह पर 2 लिखोगे तो ये 2 की पावर 5 बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। फाइनली दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 बाई 2 का मतलब होता है कितना होता है, इट इज 2 रूट 2 माइनस 2 बाई 5, और यहां पर इस 2 की पावर 5 बाई 2 का मतलब होता है 4 रूट 2 राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, इट इज 8 रूट 2 बाय 3 और माइनस इट इज 8 रूट 2 बाय 5। आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आएगा, वो काम आप करिएगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर हाँ आप चाहो तो पूरे में एक साथ 2 लिख दो और फिर माइनस लगा के पूरे में एक साथ लोअर लिमिट रख दो, वो आपके ऊपर है, आप दो टुकड़ों में करें कि अलग अलग करें, एक साथ करें। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, इट इज इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 2 log sin x ब्रैकेट में 2 log sin x और माइनस में log sin 2x log sin 2x dx, ये i हो गया बच्चों। आपको पता है कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x और cos x, ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x ब्रैकेट क्लोज dx राइट बेटे। अब जरा यहां पे देखना, ये है log 2 मल्टीप्लाई sin x मल्टीप्लाई cos x, और आपको पता है कि लॉग में अगर ए बी सी तीन चीजें मल्टीप्लाई में हो तो ये बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो ये टूट जाएगा और टूटने के बाद आपके पास आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स ब्रैकेट माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डीएक्स।
अब देखो ये है 2 log sin x और ये है माइनस log sin x, तो दो में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0 to π/2 log sin x माइनस log cos x और log 2 और ये dx, दिस इज योर i, ठीक है ना। अब ये तो आपने अभी फिलहाल लॉ प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई किया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करी और लॉ प्रॉपर्टी, अब इसमें यही प्रॉपर्टी वापस यूज करी, ये वाली जो आपने यहां पर यूज करी थी, तो जहां जहां x है वहां वहां पाई बाय टू लिखेंगे हम, तो दिस इज 0 to π/2 log साइन पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस log cos पाई बाय टू माइनस एक्स और माइनस log 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/2, इसको 1 नाम दे देना बेटा, दिस इज 1, ठीक है ना, और ये i, दिस इज log 0 to π/2 ब्रैकेट, अब जरा ध्यान देना, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स, तो इट इज log cos x माइनस ये बन जाएगा log sin x और ये माइनस का log 2 एज इट इज और ये dx और ये भी i, इसको नाम दे दो 2। अब जरा 1 और 2 को ध्यान से देखो, अगर आप 1 और 2 को ऐड करें तो i और i तो जुड़ के हो जाएगा 2i और लिमिट 0 से पाई बाय 2 दोनों में कॉमन है आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के अंदर log sin x प्लस का log sin x माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, log cos x प्लस का log cos x माइनस का कट जाएगा और ये दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो आपके पास में फाइनली आ जाएगा माइनस का 2 log 2 dx, समझ में आया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और i बराबर आ जाएगा आपके पास में माइनस में log 2 इंटीग्रल 0 to π/2 dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस में log 2 और पाई बाय 2 यानी x लिमिट 0 से पाई बाय 2, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट केवल पाई बाय 2 आएगी, माइनस 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस log 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2, तो एक काम करते हैं पाई बाय 2 को आगे लिख देते हैं और ये माइनस, तो i इज इक्वल्स टू आया माइनस में पाई बाय 2 log 2, दिस इज योर आंसर, क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx, जब भी लिमिट माइनस a से प्लस a के रूप में हो तो हमेशा इस प्रॉपर्टी को दिमाग में दौड़ा देना, है ना, माइनस a से प्लस a fx dx की वैल्यू 2 0 से a fx dx होती है अगर फंक्शन इवन हो, और अगर ऑड हो तो 0 हो जाती है, किसकी, इस इंटीग्रल की वैल्यू। यहां पे ये जो साइन स्क्वायर x है वो एक इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन, एक सम फलन है, अगर केवल साइन x होता तो ऑड फंक्शन हो जाता, विषम फलन, लेकिन स्क्वायर है साइन स्क्वायर इसलिए ये एक इवन फंक्शन है, इसलिए ये जो i है इसमें 2 आगे आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा, क्लियर बेटे। अब इसको कैसे करोगे आप, अब इसके आगे आपको आता है कि कैसे करना है, साइन स्क्वायर को आप लिख देना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, राइट, अब इसके आगे कर लोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2, जैसे ही आप पाई बाय 2 लिखोगे तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस, यहां पर पाई बाय 2 लिखोगे तो 2 से ये आ जाएगा sin 2 इंटू पाई बाय 2 और पूरे के अपॉन में 2, और जैसे ही 0 लिखोगे तो 0 की जगह 0 लिखोगे तो 0 और साइन 0 भी 0 यानी कि लोअर लिमिट पे तो केवल 0 मिलेगा, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू होती है फिर 0, तो फाइनली आपके पास में जो आंसर आएगा आई बराबर वो आ जाएगा पाई बाय 2, सो दिस इज योर आंसर, बात समझ में आई। अब जो अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0 to 2π
I इज इक्वल्स टू जो 12 क्वेश्चन है इसमें I इज इक्वल्स टू दिया है 0 से 2 पाई cos रेस्ट टू द पावर cos रेस्ट टू द पावर 5 x dx. यही दिया बेटे. अब इसको आप कैसे करोगे? इट्स क्वाइट इजी, मतलब आसान है इसको करना. कैसे करोगे? तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपने पढ़ी थी, वो थी कि लिमिट 0 से 2 a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर एफ 2a माइनस x बराबर कितना हो जाए एफ एक्स हो जाए. और अगर माइनस एफ एक्स हो जाता था तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती थी 0. अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पर 2a का काम इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है? कहना सर 2 पाई कर रहा है. और cos रेस्ट टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स बराबर कितना होता है? cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है? कहना सर cos x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम, तो ये हो जाएगा cos 5x. यानी फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं i बराबर 2 आगे लगा के 0 टू पाई cos रेस्ट टू द पावर 5x dx. समझ में आया कि नहीं आया? हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है ना. ये देखो एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो आप 2 आगे लगा के 0 से a कर सकते थे, तो हमने यही किया. 0 से 2 पाई था और फंक्शन में जब हमने 2 पाई माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स किया तो वापस एफ एक्स आ गया. ठीक है ना? तो यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये कर लिया. अब इसके आगे कैसे करना है बेटे? तो अब इसके आगे करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. आप इसको लिख देना कुछ इस तरह से 2 0 टू पाई cos रेस्ट टू द पावर 4x और cos x dx. ठीक है बेटे? नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 0 टू पाई, इसको लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर. 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये cos x और ये dx. अब इसमें एक प्रतिस्थापन कर देना, साइन एक्स को मान लेना टी. क्या मान लेना? साइन एक्स को मान लेना टी. तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बन जाएगा. और टी की नई लिमिट्स क्या आ जाएंगी? व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो. तो मतलब टी की लोअर लिमिट आ गई जीरो. और जब एक्स की वैल्यू पाई, तो यहां से फिर एक नई चीज आ गई अपने पास में. जब x की वैल्यू बेटा पाई होगी, राइट, जब x की वैल्यू पाई होगी तो when x is equals to pi, तो जैसे ही यहां पर पाई लिखोगे तो भी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो ये ऐसा बन रहा है क्वेश्चन, जीरो टू जीरो वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी. और जब लिमिट एक जैसी आ जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है? कहना सर जीरो हो जाती है. हाँ या ना? तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है. हाँ या ना? तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. आगे बढ़े. श्योर? चलिए, तो ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का. अब इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर व्हाट 15 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर. और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है इंटीग्रल आई बराबर क्या दिया है? इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू I is equals to 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon में 1 plus sin x into cos x. 1 plus sin x into cos x dx. Right? यही दिया है? Yes. इसको 1 मान लो थोड़ी देर के लिए. और लिमिट जब 0 से pi by 2 हो तो एक ही प्रॉपर्टी ध्यान में रहती है. कौन सी? a minus x वाली. तो आप इसमें जब उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस, सॉरी
माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स और डीएक्स. नाउ दिस इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स ये बन जाएगा साइन एक्स और ये डी एक्स राइट. ये आपका फिर से आई आ गया. इसको मान लो टू. अब वन और टू को जरा ध्यान से देखो और वन प्लस टू अगर आप कर देते हो तो लुक एट दैट वन प्लस टू कर देते हो तो आई प्लस आई जुड़ के टू आई हो जाएगा और जीरो से पाई बाय टू और ये सारे के सारे दोनों फंक्शन जुड़ जाएंगे. ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज डीएक्स. हाँ या ना. इन दोनों को ध्यान से देखो दोनों के डिनोमिनेटर में एक जैसी चीज है एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीजें जुड़ जाएंगी तो ये sin x से कट जाएगा ये cos x से तो ऊपर तो जीरो आ गया और जैसे जीरो आया तो पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. मतलब कि 2i बराबर आ जाएगा जीरो यानी कि i बराबर आ गया जीरो. बात समझ में आई कि नहीं आई. तो यहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी और आपने ये काम किया है प्रॉपर्टी से. जितनी भी प्रॉपर्टी यूज हो उनको जरूर साइड में लिखना ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए. क्लियर. तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं. नंबरिंग में शायद गलती हो गई है. 11th क्वेश्चन तो सही है. ये जो हमने किया है वास्तव में ये है 14th क्वेश्चन. ये है 15वां. ठीक है ना. तो मतलब हमने 12 छोड़ दिया 13 छोड़ दिया और डायरेक्ट 14वां. सॉरी ये 14th क्वेश्चन है. दिस इज 14th. तो अभी 12 और 13 और करते हैं उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि 14 और 15 हमने कर लिया है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर क्योंकि 12 और 13 छूट गए थे ना. तो 12 हमें दिया हुआ है I is equals to integral 0 to pi x dx upon 1 plus sin x right. इसमें आप वही प्रॉपर्टी यूज कर लो बेटे. कौन सी. इट इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और पाई साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन x ही होता है. So this is equals to integral 0 to pi pi minus x dx upon में 1 plus sin x right. अब एक काम करो ये रहा 2 1 और 2 को ऐड कर दो इसे और इसे ऐड करो. तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में आएगा 0 to pi right. दोनों का जो LCM था वो 1 plus sin x था तो 1 plus sin x. यहां पर था x यहां पर था प्लस में पाई माइनस एक्स दोनों ऐड हो जाएंगे और ये dx. क्लियर बेटे. आपको दिख रहा है कि x से x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा पाई बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है ना. अब इसको आपको सॉल्व करना है और इसको आप सॉल्व करने के लिए बेटे क्या करना कि आप इसमें मल्टीप्लाई करना. ये जो 1 अपॉन साइन एक्स दिख रहा है ना 1 प्लस साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई करना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स राइट. और ये आपका डीएक्स. जब आप ऐसा कर दोगे बेटे तो दिस इज पाई इंटीग्रल 0 टू पाई. तो देखो ऊपर तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स मिलके हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स. हाँ या ना. राइट बेटे. अब समझिएगा ध्यान से है ना. दिस इज इक्वल्स टू पाई लिमिट 0 टू पाई
1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कहना सर sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस और एक 1 अपॉन कॉस, इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 अपॉन सॉरी इसको हम लिख देंगे दो कॉस है ना अपने पास, तो एक लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और एक लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स और ये dx राइट right? तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस ये बन जाएगा tan x इंटू sec x, ठीक है बेटे। अब आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, कहना सर tan x होता है, और tan x sec x का क्या होता है, कहना सर ये होता है इट इज sec x राइट right? yes. और लिमिट आ गई 0 टू पाई, दिस इज इक्वल्स टू पाई। नाउ 10 पाई 10 पाई माइनस 10 0 और माइनस में sec पाई माइनस sec 0, अब 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कहना सर 10 पाई की वैल्यू होती है 0, 10 पाई होता है 0 और ये भी होता है 10 0 0। नाउ sec पाई का मतलब होता है 1 अपॉन cos पाई राइट, sec पाई का मतलब होता है 1 अपॉन cos पाई और cos पाई का मतलब होता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और sec 0 का मतलब भी होता है माइनस 1 क्योंकि 1 अपॉन cos 0 प्लस 1 तो 1 अपॉन 1 1 और ये माइनस साइन था तो माइनस 1, तो ये आ गया बेटे माइनस 2, ये बन के हो जाएगा प्लस 2 और फाइनली अपने पास में आ जाएगा 2 पाई, तो 2i बराबर कितना आ गया 2 पाई, 2 से 2 काट दो तो i बराबर कितना आया, कहना सर i बराबर आ गया पाई। तो यहां पर इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई, क्लियर बेटे। हमने पहले प्रॉपर्टी यूज करी, दोनों को ऐड कर दिया और फिर हमारे पास ये स्थिति बनी थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे साइन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, 1 अपॉन कॉस sec स्क्वायर एक्स कर दिया, इस कॉस को तोड़ लिया दो पार्ट में साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस, ये बन गया tan x इंटू sec x। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x और sec x tan x का होता है sec x, लिमिट 0 टू पाई, लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, हमारे पास फाइनली आंसर आया 2i बराबर 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल तो i बराबर पाई आ गया। इसके बाद में जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन लॉलीपॉप है, कैसे, क्योंकि लिमिट दी हुई है -π/2 से π/2 और दिया हुआ है साइन रेस टू दी पावर 7x, साइन रेस टू दी पावर 7x और आपको पता है, क्या पता है कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, क्या होता है बेटे ऑड फंक्शन होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन रेस टू दी पावर 7x भी क्या होगा ऑड फंक्शन होगा, क्या होगा ऑड फंक्शन, क्योंकि अगर ये पावर 6 होती या 8 होती या 4 होती तो ये इवन बन जाता राइट, क्या बन जाता ये इवन बन जाता, लेकिन पावर भी ऑड है तो ये ऑड फंक्शन बनेगा, और क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है और लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रूप में है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी राइट right? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो क्योंकि साइन रेस टू दी पावर 7x एक ऑड फंक्शन है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0, क्लियर बेटे समझ में आया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, 16 को मैं लास्ट में लूंगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि 0 टू ए दिस इज आई, इसको आई लेके चलना, आई इज इक्वल टू 0 टू ए अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। अब आप इसमें बेटे फिर से ये प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाली जो आपने यहां पर यूज करी है, तो जब आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू इसको वन नाम दे देना, I इज इक्वल्स टू ये जीरो से a रहने दो, ऊपर बन जाएगा a माइनस एक्स
यहां पर बनेगा a माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो i इज इक्वल्स टू 0 टू a, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाय ये अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस ये देखो a से कट गया और ये बन जाएगा रूट एक्स और ये dx. इसको दे दो नाम दो. अब जरा एक और दो को ध्यान से देखो. अगर आप एक और दो को जोड़ दो यानी कि 1 प्लस 2 कर दो तो ये आ जाएगा 2i और लिमिट दोनों की एक जैसी है तो ये 0 से a. अब दोनों के नीचे देखो जरा ध्यान से, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है तो दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो ऊपर वाली चीज एज इट इज जुड़ जाएंगी तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस में रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाय नीचे भी यही चल रहा है ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और ये डी एक्स. दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर और नीचे एक जैसी चीज आ गई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू a 1 dx. दिस इज 2y. इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x लिमिट 0 टू a और फाइनली आपके पास आ जाएगा ये a. और इज इक्वल्स टू में क्योंकि 2y चल रहा है तो i बराबर यहां से कितना आ जाएगा, कहना सर a बाय 2 आ जाएगा. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से होगा. समझ में आया? कोई डाउट क्वेरी? कोई डाउट क्वेरी? नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट करने के बाद में अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है जो हमने मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस किए थे. तो बिल्कुल उसी की तरह आप इस क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे, ठीक है ना. और इसके लिए हिंट मैं आपको कर देता हूं कि यहां पर जो आपको इंटीग्रल दिया है उसमें लिमिट 0 से 4 दिए है और मॉड्यूलस दिया है आपको मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1. तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 जो है इट इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. इट मींस दैट दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 when x is less than equal 1 and this is equals to x minus 1 when x is greater than equal 1. तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये modulus of x minus 1 का जो नेचर है वो एक से छोटी वैल्यूज के लिए अलग है और एक से बड़ी वैल्यूज के लिए अलग है. इट मींस दैट कि एक से छोटी वैल्यू के लिए अलग बिहेव कर रहा है और एक से बड़ी वैल्यूज के लिए इस तरह से बिहेव कर रहा है और एक से छोटी वैल्यूज के लिए इस तरह से बिहेव कर रहा है. तो ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 टू 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 dx इसको आप तोड़ लीजिएगा इट इज 0 टू 1 मॉड्यूलस x माइनस 1 dx और प्लस इंटीग्रल 1 टू 4 मॉड्यूलस x माइनस 1 dx. तो यहां पर इस इंटरवल 0 से 1 में ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो यहां पर तो ये बन जाएगा कितना इट इज माइनस एक्स माइनस 1 dx और प्लस यहां पर ये बन जाएगा 1 टू 4 इट इज x माइनस 1 dx एंड देन इसके बाद में इंटीग्रेट कर दीजिएगा. तो इंटीग्रेट करना आपको आता है तो उसके लिए मुझे अब ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने. अब मैं आता हूं बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो थोड़ा सा मजेदार है और थोड़ा सा सोच कर समझ कर करने वाला क्वेश्चन है. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. आइए जरा इसे देखते हैं. नाउ स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन और इसको आप नाम दे दीजिए दिस इज 1 और इसमें फिर आप वही जो प्रॉपर्टी है बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू a 0 टू a fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx इस प्रॉपर्टी का यूज करिए बच्चों. सो दिस I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 माइनस सॉरी 1 प्लस cos π
पाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx. आप जानते हैं कि cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस cos x, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई के मामले में cos cos ही रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. तो दिस बिकम 0 टू पाई log 1 माइनस 1 माइनस cos x dx, राइट. इस i को नाम दीजिए what 2, और दोनों i को ऐड कर दीजिए. तो 1 प्लस 2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, नाउ लुक एट दैट, इट इज 0 टू पाई ब्रैकेट log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज और ये dx. इस तरह से ये दोनों इंटीग्रल्स जुड़ जाएंगे, फंक्शंस ऐड हो जाएंगे. तो अब log की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल्स टू होता है log a इंटू b. तो दिस इज इक्वल्स टू log, नॉट log, इट इज इंटीग्रल 0 टू पाई एंड log ब्रैकेट 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज dx. इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, और 1 माइनस cos स्क्वायर x आप जानते हैं कि वो sin स्क्वायर x होता है. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log sin स्क्वायर x dx. एंड नाउ आप यहां पे एक थोड़ा सा चेंजेस और कर सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है तो इस 2 को आगे ला सकते हैं. तो दिस बिकम 2 0 टू पाई log sin x dx. तो आपके पास में फिलहाल 2i is equals to आ गया है 2 इंटीग्रल 0 टू पाई log sin x dx. 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर आपके पास में जो i है वो i is equals to आ जाएगा 0 टू पाई log sin x dx, राइट बच्चों. अब नाउ इस i को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 36 के जैसा है, जो आपको आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 36 दिया है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx. बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप आगे करेंगे, लेकिन हम यहां पे कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप चाहें तो देख भी सकते हैं, राइट, अगर आपको कुछ दिक्कत जाए तो. नाउ लुक एट दैट, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको फिर से आगे कुछ हो सकता है करना पड़े. अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 0 टू a होता है इफ f, ये इफ दिस इज इक्वल्स टू 2 0 टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है अगर f 2a माइनस x बराबर एफ एक्स आ जाए, ठीक है ना, इस कंडीशन में. यहां पर 2a का जो काम है वो कर रहा है पाई, क्या कर रहा है, पाई कर रहा है, जिसको 2a का काम कर रहा है पाई. और आप जानते हैं कि log sin पाई माइनस x बराबर होता है log sin x, राइट. इट मींस दैट कि इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 2 0 टू पाई बाय 2, यानी जो यहां पर होता है उसका आधा कर दिया जाता है और 2 लगा दिया जाता है आगे. तो इट इज 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, राइट. हम इसको इस तरह से चेंज कर दिए. अब इसके बाद में आप यहां पर लगाइए बच्चों प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे आप यहां पर, प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वही वाली, ये वाली प्रॉपर्टी जो आपने यहां पर यूज करी है. तो ये i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 0 टू पाई बाय 2 log log sin pi by 2 minus x dx. So this is equals to 2 integral 0 to pi by 2 log sin x की जगह आ जाएगा cos x dx, क्योंकि हम जानते हैं कि sin pi by 2 minus x बराबर होता है cos x. तो हमारे पास में i is equals to आ गया 2 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको नाम दीजिए 3, इसको रहने दीजिए,
राइट इस 3 को देखिए और इस 4 को देखिए. अगर आप 3 और 4 को ऐड कर दें, 3 प्लस 4 कर दें, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा कितना, इट इज 2i. एंड ये यहां पर और यहां पर ये फंक्शन अलग अलग हैं, राइट, लेकिन इंटीग्रल कॉमन है, 2 कॉमन है, dx कॉमन है. तो ये 2 कॉमन लिया, 0 टू आपने पाई बाय 2 किया, दिस इज log sin x प्लस log cos x, ये ब्रैकेट और यहां पर ये dx. आप चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आपको i की वैल्यू निकालनी है फाइनली. तो i इज इक्वल्स टू आ गया 0 टू पाई बाय 2. यहां पर आप log प्रॉपर्टी वही log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा log sin x into cos x, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए और ये dx. अब यहां पर आप क्या करें बच्चों, कि यहां पर ये जो log sin x cos x आया है, इसमें ये 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज, log आप यहां पे करिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2 sin x cos x डिवाइड बाय 2 dx, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए और फिर इसके बाद में लगा दीजिए log प्रॉपर्टी. तो जब log प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो दो काम हम एक साथ करेंगे, क्या, 0 टू पाई बाय 2 log, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 sin x cos x हो जाता है sin 2x और माइनस ये बन जाएगा log 2. तो हमारे पास में फाइनली 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है बच्चों, लुक एट दैट, कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है. अब इसको आगे हम कैरी ऑन करेंगे और उसके लिए हमें इस तरफ का ये पोर्शन रफ करना पड़ेगा. तो आई होप कि आपने ये वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा. तो अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, है ना, अभी तक जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इट बिकम कॉस एक्स बिकम माइनस कॉस एक्स, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो इट्स 2i इज इक्वल्स टू दिस वन, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स आई वैल्यू 2 आ गया है लॉग की प्रॉपर्टी से, तो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx आ गया. फिर हमने इस प्रॉपर्टी को टेस्ट किया तो हमने देखा कि साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ही आता है. तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया और लिमिट को 0 से पाई बाय 2 कर दिया और 2 को आगे लेकर आ गया. देन इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यहां पे यूज कर दिया, तो log sin पाई बाय 2 माइनस x dx जो कि log cos x में बदल गया. फिर हमने 3 और 4 को ऐड कर दिया, तो 2i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log sin x प्लस cos x आया, log की प्रॉपर्टी यूज करी, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारे पास में दो पार्ट में ये इंटीग्रल टूटने की कंडीशन में आ गया. अब इसके आगे देखते हैं कि क्या करना है. Now look बच्चों, this is equals to, ये I ही चल रहा है बच्चों, I is equals to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus integral 0 to pi by 2 log 2 dx, right बच्चों, हमने दो parts में इसको break कर दिया. इस वाले portion में आप एक substitution करिएगा, क्या, कि आप 2x is equals to लीजिएगा t, तो ये बन जाएगा 2 dx बराबर dt, और लिमिट आपके पास में क्या आएंगी, when x is equals to 0, तो यहां से जैसे ही x is equals to 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 हो जाएगा, और जैसे ही आप x is equals to pi by 2 लिखेंगे, यहां पे pi by 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और t is equals to आ जाएगा pi, यानी कि इस इंटीग्रल में I is equals to आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 0 to pi log 2x की जगह आ जाएगा log sin t और dx की जगह पर आ जाएगा dt upon 2, ये dt upon 2 क्योंकि हमें dx की जरूरत है, माइनस ये log 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 और ये dx as it is. Now 1 by 2 को आप आगे कर दीजिए, this is I is equals to 1 by 2 और ध्यान दीजिएगा बेटे, integral 0 to pi log sin t dt minus log 2 और इसको जब आप इंटीग्रेट कर देंगे this become x और लिमिट आएगी 0 से pi by 2. Now look बेटे,
आपको ये पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल कुछ भी हो, देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप इस t को अगर चाहें तो वापस x में चेंज कर सकते हैं. तो दिस बिकम 1 बाय 2 इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन x dx माइनस, और ये आ जाएगा बेटे पाई बाय 2 लॉग 2, राइट बच्चों, क्योंकि लोअर लिमिट पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. अब इसे ध्यान से देखिए, राइट, और इसे ध्यान से देखिए, ये इसे ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं करते करते आपके पास कभी ना कभी i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स के इक्वल आया था, और यही 1 बाई 2 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ गया. इट मींस दैट इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं i, तो ये आ जाएगा हमारे पास में i अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है i. ये i जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा i अपॉन 2, राइट बच्चों, दिस इज i अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस i बाई 2 लॉग 2, और जैसे ही आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहां से i इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई लॉग 2. सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू माइनस पाई लॉग 2. तो यहां पर एक बड़ा सा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 16, और आपने देखा होगा कि इसमें कई बार कई सारी प्रॉपर्टीज बार बार यूज हुई हैं, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये दिमाग में बैठ पाएगा, अन्यथा आप भूल जाएंगे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको बाद में भी कर लेंगे. तो इसको दो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये दिमाग में बैठ जाएगा. स्टेप्स को समझिएगा कि हमने किन स्टेप्स से किया और क्यों किया, ऐसा करने से हमें लाभ क्या हो रहा था, और हम कैसे रिजल्ट्स तक पहुंचे, ठीक है ना. और जो क्वेश्चन नंबर 36 है एग्जाम्पल में, वो क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, उसका आंसर माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ रहा है, और क्योंकि उसमें जो लिमिट है वो पाई बाई 2 है, हमारे क्वेश्चन में पाई लिमिट है, सो देर इज सम डिफरेंस, ठीक है ना. सो ये माइनस पाई लॉग 2 आपका फाइनल आंसर आया. तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 खत्म किया, 17 खत्म किया, 18 भी हमने किया. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, और 19th क्वेश्चन में हमसे उसने क्या कहा, क्या है जरा समझते हैं. 19th क्वेश्चन में हमसे कहा है हमें प्रूफ करना है, टू शो, 19 में हमें ये दिखाना है, टू शो इंटीग्रल 0 टू a fx gx dx इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू a fx dx. ये हम लोगों को शो करना है, और हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि fx इज इक्वल्स टू f a माइनस x, और gx प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. ये हम लोगों को गिवन है. तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. कैसे, LHS से शुरू करते हैं. नाउ ये जो इंटीग्रल है 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करिए बच्चों. कौन सी प्रॉपर्टी, वो a माइनस एक्स वाली. तो ये बन जाएगा 0, इसको i ले लीजिएगा बच्चों, है ना, i इज इक्वल टू दिस वन. तो इट इज 0 टू a, राइट, 0 टू a f a माइनस x और g a माइनस x dx, राइट. अब आपको पता है कि f a माइनस x बराबर gx है, तो आप यहां पर f a माइनस x की जगह पर fx लिख दीजिए. सो दिस i इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट बच्चों. नाउ अब एक काम करिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये, और इसे मान लीजिएगा 2, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो आपके पास में आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी ए माइनस एक्स, ये ब्रैकेट, और ये dx. आप ध्यान दे रहे होंगे कि 2i बराबर आ गया है, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा बच्चों. क्या कॉमन दिख रहा है, fx.
तो जैसे ही आप एफ एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। और आपको पता था कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 है, तो आप यहां पर 4 लिख दीजिए इतने की जगह पर। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स इंटू 4 डी एक्स, राइट। और ये रहा 2i, ये 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो आपके पास i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और यही आपको प्रूफ करना था, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन नंबर 19। तो ज्यादा दम नहीं थी, आसान था, बस थोड़ा एक प्रॉपर्टी यूज करना था डेफिनेट इंटीग्रल की और फिर दोनों को ऐड करना था और ये सिचुएशन बनानी थी बस केवल, है ना। इसको तो यूज कर लिया, इसको बनानी थी क्वेश्चन में, तो उसके लिए दोनों 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, राइट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा क्या है, आपको दो ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए हैं, वो एक 20 है और एक 21 है। तो 20 में जो क्वेश्चन दिया है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और ये दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस 10 फाइव एक्स और प्लस 1, राइट, ये दिया है। और आपका तो दिमाग सबसे पहले तब चल जाना चाहिए जब लिमिट माइनस ए से प्लस ए के फॉर्म में दे दी जाए, तो अपना दिमाग चला दो कि इसमें वो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है डेफिनेट इंटीग्रल की, कौन सी, ऑड और इवन वाली। तो अब जरा ध्यान देना, इसको अगर अपन तोड़ दें तो ये टूट के कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 10 रेस्ट टू द पावर 5 एक्स डी एक्स और प्लस माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 1 डी एक्स। अब जरा ध्यान देना, ये है एक ऑड फंक्शन, ये इवन और ये ऑड दोनों मिलके हो जाएंगे ऑड, ये एक ऑड फंक्शन है। क्यों है ऑड, क्योंकि 10 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस 10 एक्स और पावर है 5, तो ये जो साइन है ये माइनस ही बना रहेगा, मतलब कि ये भी ऑड फंक्शन हो गया। लेकिन ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं, आप एक्स की जगह माइनस एक्स लिखोगे तब भी ये हमेशा इवन ही रहेगा यानी 1 ही रहेगा। तो ये सारे इंटीग्रल्स तो जीरो हो जाएंगे और बचा रह जाएगा केवल कौन सा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, केवल वो बचा रह जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी से बन जाएगा 2 आगे आ जाएगा और 0 टू पाई बाय 2 और dx आ जाएगा, राइट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो दिस इज इक्वल्स टू 2, दिस इज x और लिमिट 0 से पाई बाय 2 एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन दिस इज 2 पाई बाय 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा पाई। So the answer of question number 20 is equals to pi. So the option number C is right answer. अब मैं आता हूं बच्चों इसके बाद question number 21 के ऊपर जो कि एक objective है। और इस question number 21 में आपको I जो दिया है वो दिया हुआ है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 log bracket 4 plus 3 sin x, 4 plus 3 sin x divide by 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x, ये ब्रैकेट क्लोज और dx, ये इसको आप 1 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। और इसमें आप वो प्रॉपर्टी लगाइए, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, ये कि इंटीग्रल f a माइनस x dx a टू b इज इक्वल्स टू f a टू b f x dx, ठीक है, ये आपने बहुत पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल में, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करिए बच्चों। तो देखिए ये बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, log 4 प्लस, अब ये साइन पाई बाय 2 माइनस x बनेगा तो ये बन जाएगा cos x डिवाइड बाय 4 प्लस 3, ये आएगा cos पाई बाय 2 माइनस x तो ये बन जाएगा sin x और ये dx। अब एक काम करिएगा बच्चों, क्या काम करिएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा यानी कि 1 प्लस 2 कर दीजिएगा तो 2i is equals to आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x
अपॉन में 4 प्लस 3 cos x प्लस log ब्रैकेट 4 प्लस cos x अपॉन 4 प्लस sin x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। आपको पता है कि log प्रॉपर्टी में log a प्लस log b बराबर log a इंटू b हो जाता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, ये बन जाएगा log 4 प्लस 3 साइन x अपॉन 4 प्लस 3 cos x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस cos x अपॉन 4 प्लस साइन x, ये ब्रैकेट और ये dx। तो देखो बच्चों, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x इससे कट जाएगा, ये नीचे वाले से नीचे कट जाएगा और log 1 बन जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब कि फाइनली 2i बराबर 0 यानी कि i बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है सी। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 7.11 भी कंप्लीट करी और एक लंबे इंतजार के बाद में आपका चैप्टर नंबर 7 जो है, जो इंटीग्रल के ऊपर बेस था, जिसमें कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ा, यहां पर समाप्त हुआ। तो आई होप कि इस पूरे चैप्टर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और जो डाउट या क्वेरीज बनी होंगी या तो आपने स्वयं हल कर ली होंगी या हमें ईमेल कर दिया होगा, ठीक है ना, या जो हमारा फेसबुक पेज है आप उसके ऊपर भी अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियोस, हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे को आंसर कर दें, मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़े, लेकिन अगर आप ईमेल करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे दें। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, समय निकाल के और अच्छे से नियोजित ढंग से प्लानिंग करके पढ़ाई करिए। जो आपके मित्र हैं उनको इन वीडियोस के बारे में बताएं, अगर वो किसी भी रूप से, आर्थिक रूप से किसी कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, और अगर आपको लाभ हो रहा है तो दूसरों को भी पढ़ाइए और उनको ज्ञान बांटिए, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।